इस फंड में 1% ऑफ शेयर्स आपके बुश फैमिली का भी रहा है, एंड व्हेन आई से बुश फैमिली आई मीन द कपल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लूटस आईएएस गाइस। गाइस, कल हिंडनबर्ग की शाम को रिपोर्ट आई है जिसमें कि हिंडनबर्ग ने एलिगेशंस लगाए हैं सेबी चीफ के अगेंस्ट। एक्चुअली हुआ ये कि आपको अगर याद हो तो आज से 1.5 साल पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने सेवरल सीरियस एलिगेशंस लगाए थे अडानी ग्रुप को लेकर के। वो क्या एलिगेशंस थी इस पर हम लोग पहले भी वीडियो बना चुके हैं, पर आज आपको शॉर्ट रिव्यू दे दूंगा जैसे हम लोग आगे चलते हैं कि एक्चुअली इसमें क्या एलिगेशंस पुट करे थे हिंडनबर्ग ने अडानी को लेके। लेकिन इस फ्रेश रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने एलिगेशंस सेबी चीफ पे लगाए हैं रिलेटेड टू अडानी ग्रुप। और कल मॉर्निंग में ही क्यास लग रहे थे कि क्या रिपोर्ट आने वाली है हिंडनबर्ग को लेकर के, क्योंकि हिंडनबर्ग ने मॉर्निंग में ट्वीट किया था दैट इट इज गोइंग टू लॉन्च समथिंग रिलेटेड टू इंडिया। ठीक है, सुबह 5:30 बजे 5:34 का ट्वीट था और कल शाम को ये रिपोर्ट आ गई। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हिंडनबर्ग एलिगेशंस अगेंस्ट सेबी चीफ माधवी बुच। ओके, तो देखते हैं क्या है एलिगेशंस। ओके, सो एज यू कैन सी हिंडनबर्ग्स न्यू रिपोर्ट एलिजेस सेबी चीफ एंड हर हस्बैंड ओन स्टेक्स इन द ऑफशोर फर्म्स लिंक्ड टू अडानी। अब ये ऑफशोर फर्म्स क्या हैं अडानी से जो लिंक थी, ये पास्ट रिपोर्ट जो आई है हिंडनबर्ग की 1.5 साल पहले उसमें ये बात थी। देखते हैं क्या है ये पूरा मसला, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर हम लोग आगे बात करते हैं। सो सी, अ ईयर एंड अ हाफ आफ्टर एलिजिंग दैट बिलियनियर गौतम अडानी वॉज रनिंग द लार्जेस्ट कॉन इन द कॉरपोरेट हिस्ट्री, हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अडानी ग्रुप सबसे बड़ा कॉन कर रहा है कॉर्पोरेट हिस्ट्री में। ठीक है, और सैटरडे में मेड येट अनदर एलिगेशंस अगेंस्ट अडानी इशू बाय क्लेमिंग दैट सेबी चीफ पर्सन मधाबी पुरी बुच हैड स्टेक्स इन ऑफशोर फंड्स लिंक्ड टू द अडानी ग्रुप। अब क्या है ये देखिए, मैं आपको जरा सा ये रिप्रेजेंट करके बता देता हूं कि एक्चुअली क्या बात कह रहा है हिंडनबर्ग, क्या सिनेरियो है 1.5 साल पहले का जो अडानी को लेकर रिपोर्ट आई थी, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। सो देखिए, वन एंड अ हाफ ईयर अगो हिंडनबर्ग क्लेम्ड कि ये जो हमारी अडानी कॉरपोरेशन है, अडानी लिमिटेड कंपनीज हैं, सो अडानी ग्रुप में एक विनोद अडानी नाम के व्यक्ति हैं जो कि भाई हैं, ही इज अ ब्रदर, ठीक है, गौतम अडानी के ब्रदर हैं। तो विनोद अडानी ये डायरेक्टर हैं और सेटलर हैं किस चीज के, तो विनोद अडानी हु इज एक्चुअली द ब्रदर ऑफ गौतम अडानी, इनके जो हैं ऑफशोर कंपनीज हैं, यानी फॉरेन में इनकी कंपनीज हैं और इन कंपनीज के प्राइवेट ऑफशोर कंपनीज हैं, प्राइवेट हैं ऑब्वियसली, और कहां पर हैं, फॉरेन में हैं ये कंपनीज, राइट। ये बात जो मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ये हिंडनबर्ग ने क्लेम किया था, एलेज किया था 1.5 साल पहले। अब उस ये कॉन्सेप्ट समझना इसलिए ज़रूरी है जिससे कि अब आप लिंक कर सकें कि इस रिपोर्ट में हिंडनबर्ग क्या अक्यूज कर रहा है सेबी चीफ को। तो विनोद अडानी की कई सारी कंपनीज हैं, ऑफशोर प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि आपकी फॉरेन में एसोसिएटेड हैं, फॉरेन बेस्ड हैं, ठीक है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जी अभी तक प्रॉब्लम नहीं है। मैच्योरिटी फंड्स हैं और शेल कंपनीज भी हैं जो कि मॉरिशियस बेस्ड हैं। सो मॉरिशियस बेस्ड शेल कंपनीज,
ठीक है। अब शेल कंपनीज क्या होती हैं? शेल कंपनीज वो कंपनी होती हैं जो रियल में कोई कंपनी नहीं होती है, उनके थ्रू बस पैसे का लेन देन ट्रांसफर किया जाता है। नॉट अ रियल कंपनी, रेदर अ कंपनी रनिंग इन नेम ऑफ अ रियल कंपनी विच इज मेजरली इन्वॉल्व इन दी फाइनेंशियल इंट्रैक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ मनी, दैट इज कॉल्ड शेल कंपनी। अब ये तीन कॉम्पोनेंट आप समझ गए कि एक तो अपनी अडानी कॉरपोरेशन या अडानी ग्रुप आप कह लीजिए, ये हो गया। उसके बाद विनोद अडानी जो कि गौतम अडानी हुई इज द चेयरपर्सन ऑफ अडानी ग्रुप, इनके ब्रदर हैं, ही इज द ब्रदर, ठीक है। और विनोद अडानी की कई सारी ऑफशोर प्राइवेट कंपनीज हैं फॉरेन बेस्ड, ठीक है। और मॉरिशियस बेस्ड कई सारी शेल कंपनीज हैं, ये तीन चीजें हैं। अब होता क्या है कि अकॉर्डिंग टू हिंडनबर्ग, अगेन इट वॉज एन एलिगेशन, कि अडानी कॉरपोरेशन से जो पैसा है मनी, दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू दीज ऑफशोर प्राइवेट कंपनीज विच वर ओन्ड बाय विनोद अडानी। विनोद अडानी की ये जो ऑफशोर कंपनीज हैं, इन पे पैसा जाता था अडानी ग्रुप से, ठीक है। अब विनोद अडानी क्या करते थे, वो इस पैसे को इन्वेस्ट कर देते थे या दे देते थे मॉरिशियस बेस्ड शेल कंपनीज को, ठीक है। और ये शेल कंपनीज क्या करती थी, ये शेल कंपनीज इन्वेस्टमेंट कर देती थी वापस अडानी ग्रुप में, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करती थी, ट्रेडिंग करती थी इसी पैसे को जो कि अडानी कॉरपोरेशन से आ रहा था, अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज से आ रहा था, इस पैसे को ये शेल कंपनीज री इन्वेस्ट करती थी। कई सारी शेल कंपनीज थी अलग अलग नाम से जो कि इन्वेस्ट करती थी अडानी कॉरपोरेशन से। अब इससे होता क्या था, इससे देखिए पहली चीज तो प्राइस का जो है इन्फ्लेशन होता था, प्राइस ऑफ द शेयर इंक्रीज करता चला जाता था। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता था कि फॉरेन से बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इस शेयर की हमेशा मार्केट में डिमांड है, और शेयर प्राइसेस तो डिमांड एंड सप्लाई के प्रिंसिपल पे मेजरली ऑपरेट करते हैं। डिमांड एंड सप्लाई और सेकंड चीज जो है जिस पे ये ऑपरेट करते हैं वो है स्पेक्युलेशन। तो डिमांड आप कॉन्स्टेंटली मेंटेन कर रहे हो क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली शेयर्स को खरीद रहे हो, वो अलग बात है कि अडानी ग्रुप ही खरीद रहा है अपनी कंपनी के शेयर्स को इनडायरेक्टली, लेकिन दिखने में क्या लग रहा है, दिखने में तो ये लग रहा है कि अडानी ग्रुप के शेयर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है और वो परचेज किए जा रहे हैं जिसकी वजह से प्राइस बूस्ट हो रहा है, और इसी वजह से इन्होंने बलूनिंग करी है अपने प्राइसेस की, ऐसा हिंडनबर्ग ने क्लेम किया। और उस टाइम पे जब ये रिपोर्ट आई तब अडानी ग्रुप के जो शेयर्स थे उनकी जो कीमत थी वो नियरली 4000 रुपीस थी, ठीक है ना। और इस रिपोर्ट के आउट होने के बाद इस ग्रुप ऑफ शेयर्स की जो कीमत आ गई थी वो 1000 आ गई थी, 1/4 डिक्लाइन कर गए थे, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स लूज किए थे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लूज किए थे अडानी ग्रुप ने, ठीक है। ये तो रही डेढ़ साल पुरानी बात। अब देखिए अब जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या कह रहे हैं, तो द एलिगेशन सजेस्ट दैट द बुशेज इन्वॉल्वमेंट इन दीज ऑफशोर एंटिटीज डेट्स बैक टू 2015। ये रिपोर्ट कह रही है कि ये जो आपने ऑफशोर एंटिटीज, ये जो शेल कंपनीज का जो फंड है जो कि इन्वेस्ट किया जाता था अडानी कंपनीज में, इस फंड में ये जो फंड है शेल कंपनीज का जो कि प्रोवाइड किया जाता था विनोद अडानी की ऑफशोर कंपनीज के थ्रू, इस फंड में 1% ऑफ शेयर्स आपके बुश फैमिली का भी रहा है। एंड व्हेन आई से बुश फैमिली आई मीन द कपल, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ, वाइफ इज द चेयरपर्सन, दैट इज मधाबी बुश, ओके। इनका शेयर है और ये शेयर 2015 से है, ये इनकी एक सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट थी इस ऑफशोर फंड में, ठीक है। और ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से आई थी, ये इन्वेस्टमेंट इनकी पर्सनल अर्निंग जो ये लोग कमाते थे उससे पैसा निकाल निकाल के इन्होंने इस ऑफशोर फंड में इन्वेस्ट कर रखा था, वो भी 2015 से, समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए इस रिपोर्ट ने ये भी हाईलाइट किया है, द रिपोर्ट ऑल्सो हाईलाइटेड दैट फ्रॉम अप्रैल 2017 टू मार्च 2022 Bush had a 100% interest in an offshore Singaporean consulting firm called Agora Partners. यानी Bush की सिंगापुर में
2022 में लेट मी टेल यू बुश वॉज चोजन एज द चेयरपर्सन ऑफ सेबी। तो 2017 से लेकर के 2022 तक बुश की एक खुद की फर्म थी। 100% इंटरेस्ट का मतलब बुश खुद इस कंपनी की 100% ओनर थी। ये कंपनी सिंगापुरियन कंपनी है, इसका नाम है कंसल्टिंग फर्म थी, इसका नाम है अगोरा पार्टनर्स, जिसकी बुश ओनर थी। 5 साल इसको रन किया और जब इन्होंने चेयरपर्सन ऑफ सेबी की पोस्ट संभाली, तो आप जानते ही हैं गवर्नमेंट पोर्टफोलियो जब भी आप हैंडल करेंगे, कोई पोस्ट हैंडल करेंगे, तो आप कोई अपना पर्सनल बिजनेस नहीं रन कर सकते हैं। तो इन्होंने चेयरपर्सन चूज होने के बाद 2 हफ्तों बाद ये जो सारा शेयर्स थे इस अगोरा कंपनी के, अगोरा पार्टनर्स के, ये सब अपने हस्बैंड के नाम पे ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। और 17 से लेके 22 तक ये सिंगल हैंडेडली 100% ओनर थी इस कंपनी की, ओके। उसके बाद बात ये आती है कि ठीक है, इन्होंने इन्वेस्ट किया ये जो फंड्स थे इसमें, इससे फर्क क्या पड़ता है, व्हाइट मैटर्स। तो देखिए इसका फर्क ये पड़ता है, द रिपोर्ट रेजेस कंसर्न्स अबाउट पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट विद इन सेबी, गिवन दैट बुश हैड ओवरसीन क्रिटिकल रेगुलेटरी फंक्शंस दैट डायरेक्टली इंपैक्ट कंपनीज लाइक अडानी। अब देखिए 1.5 साल हो गए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आए हुए, और रिपोर्ट ने जो हिंडनबर्ग की 1.5 साल पहले आई थी, उसने सीरियस एलिगेशंस लगाए थे अडानी ग्रुप पे, और मैंने आपको बताया भी कि 1/4 हो गए थे अडानी के शेयर प्राइसेस। लेकिन सेबी ने जब इंक्वायरी करी इस मैटर में, तो उन्होंने अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी, और सेबी की इंक्वायरी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उस सेबी के डिसीजन को विदहोल्ड किया और अडानी को एक्विट कर दिया, ओके। तो ये रिपोर्ट कह रही है कि एक्चुअली ये इनसाइड वर्क है, अडानी ग्रुप को क्लीन चिट इसलिए दी गई है क्योंकि सेबी चीफ खुद एक स्टेक होल्डर है उन फंड्स में जो कि यूज करे जा रहे थे अडानी शेयर्स के प्राइस बूस्ट के लिए। यानी शी वॉज हरसेल्फ अ पर्सन हु वॉज गेटिंग बेनिफिट बाय द बूस्ट इन द प्राइसेस ऑफ शेयर्स, सो व्हाई वुड शी गो अगेंस्ट हर पर्सनल प्रॉफिट्स, क्योंकि वो खुद इन्वॉल्व हैं इस पूरे प्रोसेस में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, बट शी वॉज ऑल्सो गेनिंग फ्रॉम इट, तो वो अपने अगेंस्ट क्यों जाएंगी, वाई वुड शी डू समथिंग दैट विल कॉज लॉस टू हर। तो एक तो पर्सनल इंटरेस्ट वाला इशू आ जाता है यहाँ पे कि इसी वजह से अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दी गई है। दूसरी बात आती है दैट एज द विसल ब्लोअर डॉक्यूमेंट्स public and political debate, the integrity of SEBI's leadership and its ability to impartially regulate. इससे एक और बहुत बड़ी बात सामने आती है, या एक aspect और सामने आता है कि SEBI का actually काम क्या है। SEBI is the regulatory body. ये stock market में BSE, Bombay Stock Exchange, NSE, National Stock Exchange, इसमें जितने भी stocks हैं उनको regulate करता है, उन companies को regulate करता है। और जो रेगुलेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस संस्था के पास है, अगर वो खुद बायस हो जाएगी क्योंकि उसका चेयरपर्सन बायस्ड है अपने पर्सनल मोटिव्स एंड इंटरेस्ट की वजह से, तो कहीं ना कहीं ये इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन आ जाता है सेबी जैसी कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी के, ओके? अब इससे क्या हो रहा है, जो मेजर मार्केट प्लेयर्स हैं वो अंडर क्वेश्चन है, ठीक है। और हिंडनबर्ग ने क्लेम किया, हिंडनबर्ग क्लेम दैट डिस्पाइट इट्स एविडेंस बैक्ड रिपोर्ट विद कोलैबोरेशन फ्रॉम ओवर 40 इंडिपेंडेंट मीडिया, हिंडनबर्ग ने जो 1.5 साल पहले रिपोर्ट दी थी वैसा नहीं है कि हिंडनबर्ग के ख्याली पुलाव थे, 40 इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेस ने अब कहीं ना कहीं इन सारी बातों को क्लेम किया था, 40 मीडिया हाउसेस ने इन पे रिसर्च किया था और उन्होंने यही सारी बातें कही थी जो हिंडनबर्ग ने कही थी, और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले इन मीडिया हाउसेस ने इंडिपेंडेंटली यही चीजें पब्लिश करी थी, किसी ने कुछ एस्पेक्ट किया था, किसी ने कुछ और एस्पेक्ट किया था, सो बिट्स एंड फ्रेगमेंट्स में सारी बातें आई थी। इन्हीं सब को तो हिंडनबर्ग ने एक जगह कंपाइल करके पूरी अपनी रिपोर्ट दी थी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंडनबर्ग ने क्लेम किया था, हिंडनबर्ग से पहले 40 मीडिया हाउसेस ये क्लेम कर चुके थे अडानी ग्रुप को लेकर के, लेकिन सेबी ने इनमें से किसी भी चीज पे कोई भी ध्यान नहीं दिया, कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया और अडानी ग्रुप को एक्विट कर दिया, क्लीन चिट दे दी।
Hindenburg Research suggestion that SEBI reluctance to take decisive action against offshore shareholders in the Adani Group. कोई action नहीं लिया गया, कोई भी decisive action नहीं लिया गया, ये जो offshore agents थे, जो price को influence कर रहे थे Adani companies के, ठीक है? और ये क्यों? क्योंकि Hindenburg की report कहती है, might be due to Madhabi's Bush Elest involvement in the same funds used by Vinod Adani, गौतम अडानीज ब्रदर. इन्होंने इसलिए कुछ नहीं किया क्योंकि जो फंड यूज कर रहा था वो विनोद अडानी थे और यही फंड्स में तो एक शेयर बुश का भी था, उनका खुद का पैसा लगा हुआ था इस फंड में जो कि यूज किया जा रहा था विनोद अडानी द्वारा इन्फ्लेट करने के लिए अडानी ग्रुप के प्राइसेस. तो वो क्यों करेंगी, व्हाई वुड शी गो अगेंस्ट हर पर्सनल इंटरेस्ट, अपना नुकसान क्यों करेंगी सेबी चीफ. इसीलिए उन्होंने अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दी है, ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट क्लेम कर रही है, ठीक है. और अगर आप जरा सी हिस्ट्री देख लें मधाबीपुरी की, तो शी इज फ्रॉम IIM और उनका बर्थ 1966 में हुआ था. 1989 में उन्होंने ICICI बैंक ज्वाइन किया था, इसमें डिफरेंट रोल्स में उन्होंने सर्व किया है. फिर 2009 में वो जो है सिंगापुरियन और शंघाई बेस्ड बैंकिंग फर्म्स को उन्होंने संभाला है. सो अ गुड करियर शी हैड इन दी एरिया ऑफ फिनेंस, ठीक है. और 2022 में जैसा कि मैंने आपको बताया शी वॉज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ सेबी, ठीक है. So that's all that was in report. I hope the video was helpful to you. So see you in other case study of economics. Thank you. Bye.